हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कर स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ। बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है बिहार दरोगा भर्ती की। यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है। बात करूँ पोस्ट की, टोटल 2446 पोस्ट यहाँ पे टोटल रखी गई है। बट इसमें बिहार दरोगा की 2000 से प्लस वैकेंसीज यहाँ सिर्फ दरोगा यानी SI यानी कि आपका रहेगा सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बात करने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, क्या एज रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, सिलेबस क्या होने वाली है, कल से कब से आप अप्लाई कर पाएंगे, कब लास्ट डेट है और आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, फुल एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया बात करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है इस नौकरी की अपडेट के लिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सिक्वेंस वाइज तभी आपको यहाँ पर समझ आने वाली है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं बता दूं, इस समय पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट दी जाती है। अगर बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस चैनल पर आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे घर बैठे ऑनलाइन, अपने ही मोबाइल से या फिर अपनी PC से खुद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो, पूरा प्रोसीजर इसके पल पल अपडेट देने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें कैंडिडेट जो तक बिहार के कैंडिडेट है उनके लिए। तो खुशखबरी आई, मैं पहले बताऊं, ये ऑल इंडिया जॉब है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं सिर्फ बिहार वाले कैंडिडेट, यहां पे अदर वाले कोई भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं, ऑल इंडिया जॉब है, मेल फीमेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज, ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है जो दानापुर पटना से यहाँ पे निकाली गई है वैकेंसी का। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहे यहाँ से विजिट करके इनका ऑफिशियल वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वेबसाइट नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी रक्षा शाखा के अंतर्गत वर्ष 2019 में पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रारक्षक अवर निरीक्षक परीक्षार, यहाँ देख लीजिए ये सब पोस्ट है, पुलिस अवर निरीक्षक यानी बिहार दरोगा जो कि सब इंस्पेक्टर प्रो, ये आपके लिए एक पोस्ट है। फिर आपका अवर निरीक्षक परीक्षार यानी स्क्रेटेड में जो सर्जेंट होता है, एवं बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय गृह विभाग कारा के अंतर्गत सहायक अधीक्षक कारा सीधी भर्ती यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है, सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक, अगर आप पहले भी एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना। तो चलिए बात करते हैं, ये ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं जो कि 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है वो आपका जो है 25 सेप्टेम्बर तक लास्ट डेट है आपका। तो आपके लिए बिल्कुल अच्छी टाइम है, बहुत बड़ी टाइम यहाँ दी गई है। आप लेवल पोस्ट की बात करें, आप कौन कौन सी पोस्ट है देख सकते हैं, पुलिस अवर निरीक्षक जो कि सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की यही पोस्ट मानी जाती है, तो लेवल 6 की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, 2064 पोस्ट यहाँ है। सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। प्रारक्षक अवर निरीक्षक की बात करें जो परिचारी सर्जेंट कहलाते हैं, तो लेवल 6 की इनकी भी वैकेंसीज आउट की गई है, 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। ये टोटल पोस्ट यहाँ पे 215 है। सहायक अधीक्षक कारा सीधी भर्ती, इनके लिए लेवल 5 की पोस्ट है जो कि 29,200 से लेकर 92,300 यहाँ पे सैलरी रहेगी, और 125 पोस्ट है आपके लिए। और अगला है जो नंबर 4th का सहायक अधीक्षक कारा यानी भूतपूर्व सैनिक, जो एक्स सर्विसमैन पहले रह चुके हैं केवल वही एलिजिबल हैं, लेवल 5 की ये भी जॉब है, 2000 यानी 29,200 से लेकर 92,300 की सैलरी रहेगी आपकी। टोटल पोस्ट यहाँ आपकी 42 रहने वाली है। इन सभी पोस्टों को आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन आपका यहाँ पे आवेदन नहीं मांगा गया। अब बात करें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सबसे पहले लिखित यानी आपका रिटर्न एग्जाम होगा, एक प्रीलियम्स होगा, दूसरा मेंस होगा। तो प्रीलियम्स जो आपका एग्जाम होगा उसमें लगभग आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें से आपका 200 अंक यानी सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। जो प्रारंभिक प्रीलियम्स एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, सभी 2-2 नंबर का होगा, जो कि 2 घंटे के टाइम में आपकी रही जाएगी। जो कि प्रीलियम्स होगा पहले उसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान यानी GK GS से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा,
करंट अफेयर्स भी मुद्दों में ही रह सकती है, सामाजिक मुद्दा यानी करंट अफेयर्स रहेगा और जीके जीएस रहेगा। इसमें से पास मार्क आपका 30 है, उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट होते हैं तो जितना भी वैकेंसी उसका 20 गुना यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो कि सेकेंड टू यानी CBT 2 होगा, जो कि मुख्य परीक्षा आपका होने वाला है। मुख्य परीक्षा आपका होगा जो यानी मेन्स एग्जाम, उसमें आपका दो एग्जाम होगा। पहला एग्जाम होगा 200 नंबर का, वो भी 2 घंटे का होगा, लेकिन उसमें सिर्फ सामान्य हिंदी का ही क्वेश्चन आपका आएगा। अगला जो एग्जाम होगा वो भी 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे उसमें और 200 मार्क्स होंगे। बट उसमें जो आपका एग्जाम टोटल होगा द्वितीय यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, जीके, जीएस, हिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह सभी इसमें शामिल है। आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, फिर आपका यहाँ पे रहने वाला है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश आपका नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका जीके जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग सभी रहने वाले, भूगोल, यानी टोटल बात करें सभी एग्जाम्स में यहाँ होने वाली है। तो सब जो होगी वो 200 मार्क्स यानी लास्ट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा आपका एग्जाम का पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप एक गलत करेंगे तो 0.2 आपका नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। जब आपका सेकंड CBT जो आपका सेकंड एग्जाम होगा मेंस में, तो मेंस में जब जिनका सिलेक्शन होगा उसका 6 गुना वैकेंसी का 6 गुना यहाँ पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल होने के बाद फिर आपका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो फिजिकल की बात कर लेते हैं। एज क्रिटेरिया की बात करें तो आपका एज रहने वाला यहाँ पे 20 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम आपका 37 वर्ष होना चाहिए। उन कैंडिडेट सिर्फ जनरल वालों के लिए और जो पिछड़ा हुआ यानी OBC वालों के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC जो ST SC कैटेगरी है 5 ईयर्स का यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष में कम से कम आपका यहाँ पे स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर उनके समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आप ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो रिजर्वेशन मिलेगा ST SC या OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए, वो सिर्फ बिहार के राज्यों को ही मिलेगा। अदरवाइज जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ जनरल कोटा ही माना जाएगा। आपका जो है ST से क्यों नहीं बिलोंग करते, बट आपको बिहार राज्य में वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे जनरल के तौर पर ही आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगी। ऊंचाई की बात करें तो मेल के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए और ST SC वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, OBC और आपका जनरल दोनों वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए भी यहाँ पे 160 सेंटीमीटर है और 48 किलो वज़न होनी चाहिए। ST SC फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और 48 किलो इनका भी यहाँ पे वज़न होनी चाहिए। सीना की बात करें सिर्फ पुरुषों के लिए तो यहाँ पे बिना फुलाए मेल के लिए जो जनरल कैटेगरी वालों 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 यानी 86 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। ST SC की बात करें तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 4 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ये जनरल और OBC दोनों वालों के लिए है। अब शारीरिक दक्षता की बात करें, यहाँ पे दौड़ होने वाली है आपकी 1 मील की यानी 1.3 यानी 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना होगा। ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 6 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। ये भी उनकी 1 किलोमीटर की दौड़ होगी यानी 1000 मीटर की दौड़ होगी महिलाओं के लिए और इसको 6 मिनट में आपको पूरा करना है। ऊंची की बात यानी हाई डिस्टेंस जंप की बात करें तो पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट, और लंबी कूद की बात पुरुषों के लिए 12 फीट होना चाहिए और महिलाओं के लिए 9 फीट होना चाहिए। और एक गोला फेंक भी आपको ऐड किया गया, तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला रहेगा जो कि न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा और जो कि 10 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। ये सभी के लिए बराबर है, ST SC कोटा सबके लिए, जनरल OBC सबको यही आपका रखने वाला है। वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं, ST SC OBC पिछड़ा वर्ग यानी जनरल वाइज कितनी आपको वैकेंसी यहाँ पे बांटी गई है। जनरल OBC सबका यहाँ पे वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे आपका। फिर आपका जो है अगला पोस्ट है आपका अवर निरीक्षक परिचारी यानी सर्जेंट का है। तो यहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन कैटेगरी वाइज ये भी टेबल वाइज अपना जो है पोस्ट देख लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता ये सब वही रहने वाला है जो कि मैंने पहले पद बताया। बट इसमें एक ये बात है कि सर्जेंट जो आपका परिचारी में पद जो दिख रहा है ये महिलाओं के लिए 35% यहाँ पे रिजर्व है। यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मौका दी गई है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। आयु सीमा में भी छूट का प्रावधान इसमें मिला है।
अगला पद है आपका सहायक अधीक्षक कार्यकारी, जो सीधी भर्ती होने वाली है, ये बिल्कुल ही सीधी भर्ती होगी। आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए कितनी कितनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है, ये वहाँ पे आप देख लीजिएगा पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट आपके लिए यहाँ पे बनाई गई है। अगला पोस्ट जो मैंने एक्स सर्विसमैन के लिए बताया, ये भी कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट देख लीजिएगा यहाँ पे डाउनलोड करके, इनका भी क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है, तो ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस जनरल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका होगा। एप्लीकेशन फ़ी जब आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करेंगे एप्लीकेशन तो यहाँ पे आपका फ़ी रहने वाला है, जो कि आपका कम से कम जनरल और ओबीसी वालों के लिए 700 रहेगा और महिला के लिए भी यहाँ पे 700 रहने वाला है दोनों का, ईडब्ल्यूएस वाला। एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पे 400 रहने वाली है दोनों महिला और पुरुष के लिए, जो कि आपको नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है और ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी है। आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन आवेदन करके फॉर्म वाली वीडियो लाऊं तो कमेंट कीजिए, मैं फॉर्म वाली वीडियो जरूर लाऊंगा। और मेरी रिकमेंडेड यही है कि आप एलिजिबल हो, रिकमेंडेड करते हो तो ज़रूर अप्लाई करें फॉर्म को, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दरोगा की वैकेंसी निकली और इतनी बड़ी वैकेंसीज अपॉर्चुनिटी आई है, नोटिफिकेशन आउट की गई है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। गाइस कुछ भी अगर पर कमेंट करना हो या फिर आप क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वायरी हो तो वीडियो को अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।